नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम फिर यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं। 109 कुंडीय श्रीनारायण महायज्ञ यहां पर आयोजित होने जा रहा है। आज इसी यज्ञ को लेकर के कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हमने देखा कि करीबन 1000 से भी ऊपर महिलाओं ने कलश धारण किए और करीबन 1500 से 2000 के बीच महिलाएँ कलश यात्रा के अंदर शामिल हुई। अब चूँकि कल से यज्ञ शुरू होने वाला है और कल जो इसकी यज्ञ शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो सुबह कर ली जाएगी, उसके बाद में विधि विधान से कल यज्ञ शुरू हो जाएगा, आहुतियाँ लगना भी शुरू हो जाएगी। अब ये जो यज्ञ स्थल पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पर यज्ञ समिति के द्वारा कई व्यवस्थाएँ की गई है, जिनमें हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, स्टॉलें रखी गई हैं। दूसरा, जो धार्मिक आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए गीता के भागवत जो है उसका पाठ होंगे और रामलीला से जुड़ी हुई कई आयोजन यहाँ पे होंगे। इसके अलावा भजन संध्या भी यहाँ पे आयोजित की जाएगी। अभी हम यहाँ के जो मैनेजर हैं, ये जो झूले जिन्होंने लगाए हैं, उनके मैनेजर से ये जानेंगे कि भाई जैसे ये जो झूले हैं कब से चलेंगे, दूसरा इनकी क्या रेट रहने वाली है और ये कौन कौन से यहाँ पे झूले लगाए गए हैं। झूले लगाए जी सर, ब्रेगडा से, कोलंबो से, उसके बाद में ब्रेकडांस से, हवाई झूला है, जी सर ये ब्रेकडांस से, जी सर इसमें कितने क्या लोग बैठते हैं? इसमें एक डोली के अंदर 2 सीट 4 सीट है सर, 8 सवारी बैठती है अलग अलग, टोटल करके 40 सवारी आती है जी सर। जी रेटे तो जयपुर के अंदर 80 भी रखते हैं, 100 भी रखते हैं, या 50 रुपये रखते हैं सर। यज्ञ का है काम, धार्मिक काम है, इस वजह से हम लोगों ने 50 रुपये की रेट रखी है जी सर। ये कोलंबस झूला है सर, जी कोलंबस झूला है सर, ये इसकी रेट है वही सर 50 रुपये है। ये सब झूलों के एक ही रेट है सर, हाँ जी 50 रुपये है, वो हवाई झूला है सर जी सर, इसकी रेट 50 रुपये है सर, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं 2 के हिसाब से आ जाते हैं, 50 भी आ जाते हैं, 4 के हिसाब से 80-90, सवारी के ऊपर है सर, 3 भी बैठ सकती हैं, 2-2 भी बैठ सकती हैं। कोलंबस में भी आ जाते हैं 50-60 सवारी कोलंबस में आती है जी सर। उसके बाद में वो डेगन है रेलगाड़ी, उसका भी यही 50 रुपये टिकट है। और जो छोटे बच्चों के आइटम है, बिक्की मावा से जंपिंग है, इनों के 30 रुपये टिकट है बच्चों के लिए। ये रेलगाड़ी के सर 50 रुपये टिकट है, ये भी बच्चों का ही आइटम है, इसमें 20 सवारी आ जाती है सर जी सर। जी सर ये बड़ों का है, इसमें भी गोद के अंदर लेके बैठ सकते हैं, बच्चों को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और बच्चों के जो भी छोटे मोटे हैं, बिक्की मावा से जंपिंग है, चक्री है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये बच्चों के लिए है सर। बड़े झूले ये हैं ही जो 50 रुपये रेट में, ये बड़े झूले हैं सर जी सर। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम तो ये मान के चलो सर, अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे बंद हो जाएंगे, 10 बजे थोड़ी का टाइम दिया तो 10 बजे थोड़ी चलाएंगे सर, पब्लिक के ऊपर है सर। और दिन को 12 बजे के करीब तो चालू हो ही जाते हैं सर, पब्लिक के ऊपर ये चालू आ जाएंगी तो 1 बजे भी कर देंगे पब्लिक के ऊपर है, 12 बजे भी आएगी तो 12 बजे भी चालू कर सकते हैं झूले को सर। नाइट में ये मान के चलो 9:30 बजे थोड़ी जी सर। इस समय आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो कारें हैं वो हैं जो ये बच्चों के लिए है, और उसके अलावा ये जो जंपिंग का है, वो जंपिंग वाला जो झूला है वो है। एक बार मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे, और ये जो छोटे बच्चों के जो ड्रैगन की जो बड़े वाला हमने कोलंबस देखा उसी का एक ये छोटा रूप है, जो कि छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनके लिए है। अब एक साइड से और मैं आपको बताऊंगा, ये जो सामने जो दिख रही है इस समय आपको दिख रही होंगी, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर करीबन 70 से 80 लोग इसके अंदर बैठेंगे।
जो भी बच्चों के लिए है ये ट्रेन, और यदि कोई एडल्ट भी बैठते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं। अब आगे चल के मैं बताता हूँ आपको, ये जो रोलिंग वाला जो व्हील वाला जो झूला है वो आप देख रहे हो, इसमें कम से कम मेरे हिसाब से एक बार के अंदर कम से कम 100 लोग जो हैं वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। और उसके पास में ही ये जो है बड़ा कोलंबस है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक बार कोलंबस को दिखाओ। कोलंबस जो झूला है इसके अंदर भी करीबन 50 से अधिक लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये जो है ये बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ ये जो झूला है करीबन ये माने कि अपन 10 से 15 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं वो इसके ऊपर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मोमेंट अलग लेता है। और आगे चलते हैं, आगे एक और झूला है। ये जो पूरी जो व्यवस्था की गई है वो यज्ञ समिति के द्वारा की गई है, और तो यहाँ पे ये जो एंटरटेनमेंट का है, जो बच्चों के एंटरटेनमेंट के, यहाँ पे काफ़ी अच्छे झूले लगवाए हैं इन्होंने। और इनकी रेटें बताइए आपको 50 से 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक रहने वाली है। ये देखिए ये जो झूला है इस ये राउंड के अंदर घूमता है, और इसमें भी करीबन 40-50 एक साथ बैठ सकते हैं जो राइड करेंगे वो। अभी हमारे पास साथ में समिति के भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि भाई ये जो व्यवस्था की इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और एक बार मैं आपको पीछे और दिखाऊंगा कि वो वहाँ पर जो गन, जो अपन छोटे जो गन होती है उसका गन शूट का भी पॉइंट वहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा ये जो जगह खाली छोड़ी गई है इसमें भी कुछ इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इवेंट्स वगैरह होने वाली है। अभी देख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो ये हालांकि कल से शुरू करेंगे लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए हैं पहले से ही। कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम बेटा? नव्या। अब इस समय हमारे साथ में है नव्या। नव्या से पूछेंगे कि बेटा कहाँ के रहने वाले हो? चोमू। चोमू के। तो आज यहाँ पर ये तो झूले तो कल से शुरू होंगे। अच्छा। आज आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसे ही घूम रहे हैं। घूम रहे हो, तो ये जो झूले लगे हैं इन झूलों का आनंद लोगे आप? हाँ। कौन सा झूला अच्छा लगा आपको? सारे अच्छे लगे। तो सबके अंदर झूलोगे? इनकी रेटें मालूम है क्या आपको कितनी थी? इनकी रेटें हैं 30 रुपये से लेकर के ये 50 रुपये तक की है ना, ये रेटें हैं। और भी है, एक और भैया है, ये आप क्या नाम बेटा? अदित। उधर देखो बेटा। हाँ, तो इस समय आप रात को इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हम झूले देखने आए हैं। झूले देखने आए हो, और कल से जब ये शुरू हो जाएगा उसके बाद में क्या इनका आनंद लोगे, रोज लोगे? हाँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और होनी चाहिए? यहाँ पे स्टॉल लगने चाहिए। स्टॉल लगने चाहिए। किस किस चीज़ की लगनी चाहिए? जैसे कि खाने की चीज़ों के, और चाउमीन, पास्ता, मैगी। आप बताओ क्या? कुछ खरीदने चीज़ों के, कुछ खाने की चीज़ों के। खाने की चीज़ कौन सी चीज़ खाने की आपको पसंद है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा वगैरह। चाउमीन, पिज्जा वगैरह। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? मैगी, ये सब लग जाए। देखो हमारे साथ में समिति के काफ़ी लोग हैं, यदि आप कहोगे कि भाई जैसे ये स्टॉल और लगनी चाहिए तो वो भी प्रयास करेंगे। चाउमीन नहीं तो फिर स्टॉल जैसे लोकल लगते हैं वैसे। अच्छा अच्छा, तो पताशे वगैरह नहीं खाते क्या आप लोग? नहीं खाते। अच्छा, पताशे तो लोकल में भी खा लोगे। अब देखिए हमने बात की है, ये इतने सारे बच्चे हैं जो आज एक झूले कल से शुरू होंगे, लेकिन आज यहाँ पर ये जो माहौल देख करके, यहाँ पे लाइटिंग देख करके यहाँ पे आ गए हैं। अब इन्होंने बताई अपनी अपनी चॉइस कि भाई झूले तो बहुत सारे लग गए लेकिन खाने की जो स्टाइलें हैं वो और लगनी चाहिए। हालांकि समिति के द्वारा ये व्यवस्था की गई है भाई बच्चों के खाने पीने की काफ़ी जो व्यवस्थाएँ हैं, जो भी चाउमीन वगैरह जो खाना चाहते हैं इसके टाइप की स्टाइलें भी यहाँ पर लगेगी, आइसक्रीम की भी लगेगी। समिति वालों से ही बात कर लेते हैं, समिति के कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या नाम है? संतोष कुमार। हाँ संतोष जी, ये जो झूले लग करके अब तैयार हो गए हैं, तो क्या लगता है कि कल गैदरिंग जो है वो कितने क्या रहने वाली है? 5-10 हज़ार के बारे होगी गैदरिंग का। 10 हज़ार के आसपास। तो बच्चों की कुछ चॉइस भी है, और भी यहाँ पे स्टाले वगैरह लगेगी? खूब लगेगी, स्टाले वगैरह लगेगी, और भी सामानों की स्टाले लगेगी, खूब गैदरिंग होगी कल। बिल्कुल, छोटी मोटी सभी प्रकार की स्टाले लगा रहे हैं, और कम से कम ऐसी जगह 5-10 हज़ार आदमी रोज से हैं। एक समिति दोनों टीमें रात को भगवत गीता है और दिन में है। एक हमने देखा कि अभी जो यहाँ पर जो स्टॉल वगैरह जो लगा रहे थे लोग, भाई उनका कोई चार्ज है या कैसे, क्या फ्री रखी जा रही है? चार्ज अभी हमें जो स्टाइलें रख रही हैं उसके बारे में पहले कुछ भी किया, जितने भी स्टाइल लगाएंगे सब फ्री में लगाएंगे। यानी सब फ्री है। कम ये हमारे समिति के ही संरक्षक महोदय भी हमारे साथ में है, कमलेश जी पारेख, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि ये एक बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो स्टॉल लगाने को लेकर के भाई रसीदें काटी जाएगी या नहीं काटी जाएगी, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर कईयों के अंदर संशय बना हुआ है कि यदि ऐसे इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे तो हम स्टॉल क्यों लगाएं। तो इनसे जानेंगे कि भाई क्या स्टॉलों का क्या किराया रखा गया है।
नहीं सर, हमारा ऐसा कोई वो अभी प्लान नहीं है समिति का, भाई हम जैसे छोटे दुकानदार जो भी आके लगाएंगे उससे हमारा कोई भी रसीद बढ़ाने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है। आप 1100 की रसीद काटी गई थी? नहीं सर, कोई प्रूफ दें हमारे को 1100 रुपये किसी काटी गई थी। हम कहें इनका जो लंबा प्लान था, क्योंकि हमने यहाँ हमने भी समिति का भी कोई पैसा लगाया है, तो जैसे ये बड़ा है इनका प्लांट झूले वालों का, इनकी ज़रूर हमने एक समिति ने रसीद काटी है, बाकी जो छोटे दुकानदार हैं हमारी समिति की नॉलेज में अभी तक कोई रसीद नहीं काटी। और रसीद अगर काटी गई है तो समिति को प्रूफ दे भाई हमारी साथ इसने रसीद काटी है। अभी हमारी बच्चों से बात हुई थी, बच्चे ये कह रहे थे कि खाने पीने की भी यहाँ पे लग जाए तो हमारे को काफ़ी अच्छा लगे। हम भी यही चाहते हैं खाने पीने वालों के, हम भी जैसे अभी कोई ये हमारे भाई थे झूले वाले, उनका हम बोल के आए हैं भाई तुम्हारे को कोई भी परेशानी करे, हम तो इधर रहते नहीं है दिन में, अगर कोई दुकान लगाता है और उसको कोई परेशान करता है तो हमने एक काउंटर खोल रखा है वहाँ, उस समिति को जाके बोले। अब ऐसे यार यहाँ तो हर कोई आ सकता है, जनता खूब आएगी, कोई भी कुछ कह सकता है, झूले वालों को कल कुछ कह सकता है कि साहब हमारे ऐसा ऐसा, ये भी 2 रुपये कमाने के लिए आए हैं, तो समिति से संपर्क करें, जो भी आए वो समिति संपर्क करें। यहाँ पे अभी मैनेजर साहब भी थे यहाँ के जो झूलों के ऊपर है, वो ये कह रहे थे कि भाई इसका गेट को कोई लाइट लगाने के लिए भी उनसे कल हम करेंगे, आज से स्टार्ट हुआ है, जो भी कमी होगी हम कल दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए समिति वालों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी स्टॉल वगैरह लगेगी उनकी व्यवस्था की जाएगी। पिंटू जी महाराज भी हमारे साथ में हैं, जो महाराज के बिल्कुल ख़ास हैं, आज हमने देखा कि महाराज इनको भाई की तरह मानते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए इस आयोजन में बड़ा आनंद का काम है, आज आपने देखा जल यात्रा थी, एक चौमू की ऐतिहासिक जल यात्रा थी, और हमारे श्री गुरु महाराज का ऐसा ही था, उन्होंने जो भी कार्य किए वो ऐतिहासिक कार्य किए थे। हमारे यहाँ जो बालकदास जी महाराज यज्ञ करता, उनका अथक प्रयास से पूर्ण रूपेण क्षेत्रवासी नगरवासी सब उनका बहुत ही परिश्रम, और उनकी ये जो भजन का कार्य है वो परमात्मा ने स्वीकार किया। कितनी संख्या मान करके चल रहे हो कि कल से कितने की गैदरिंग बनेगी? ये कम से कम 10-15 हज़ार पर डे की, ऐसे मानो आप पर डे की गैदरिंग इतनी बनेगी, बननी भी चाहिए, काफ़ी बड़ा आयोजन है। और कल के जो कार्यक्रम है कौन कौन से रहे? कल की अब सुबह पूजा होगी, पंचांग पूजा होगी, अग्नि स्थापना होगी, ब्राह्मण वरण होगा और हवन का कार्य चालू होगा। तो देखिए पिंटू महाराज से भी हमारी बात हुई, समिति वालों से भी हमारी बात हुई है, कल जो कार्यक्रम है वो एक तरह से विधि विधान से जो यज्ञ है वो कल शुरू होगा। अभी हमने बात की समिति वालों से कि जो भी यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाएंगे तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, हालांकि 1100 रुपये की बातें जरूर चल करके आ रही है। यदि आप भी स्टॉल लगाने के इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर ये मैदान जो है, यज्ञ स्थल परिसर है, काफ़ी बड़ा है, आपके लिए द्वार खुले हैं, आप किसी भी तरफ की स्टॉल या कोई दुकान लगाना चाहते हैं छोटी लगा सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ दिनेश कुमार, द न्यूज़ 24।